हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आई एम विशाल त्यागी, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में मैक्सिमम और मिनिमा कैसे निकालते हैं ये सारी चीज़ें सीखी थी। हर टाइप की कॉन्सेप्ट को हमने अब तक जान लिया है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी जान लिया है, nth डेरिवेटिव टेस्ट भी हमने देख लिया है, और एफ डबल डैश एक्स से कैसे पता चलता है मैक्सिमम मिनिमा वो भी देख लिया है, एंड एफ डैश एक्स के साइन चेंज से पता चलता है मैक्सिमम मिनिमा, ये भी हमें पता है बहुत अच्छे से। और इन केस ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन ये भी हमने सीख लिया है। तो सीख तो अभी सब लिया है, अब अप्लाई करने की बात आती है, तो वो अब हम सीखने जा रहे हैं। क्लियर? तो जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, ये कुछ क्वेश्चन है, इनमें सभी में मैक्सिमा और मिनिमा आपको फाइंड करना है। तो बहुत ही ईजी सी कॉन्सेप्ट है, कैसे करेंगे? वाई इक्वल टू एल एन एक्स बाई एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए डोमेन। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जैसे ये लिखा मैंने y इक्वल टू एल एन एक्स बाई एक्स, तो डोमेन लिख लिया मैंने साथ में, डोमेन विल बी x ग्रेटर देन जीरो। ऑल राइट, डोमेन क्या होगी? x ग्रेटर देन जीरो। जैसे जैसे एल एन एक्स हमें एक फंक्शन है, उसका मैं एक डेरिवेटिव निकालता हूँ, वो क्या आता है? 1 बाई एक्स। अब 1 बाई एक्स तो x की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन है एक्चुअल में, तो सही बात है, और एल एन एक्स तो एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए डिफाइन है। तो अगर हमने अलग से ये मेंशन नहीं किया तो हमारे अलग आंसर्स आ सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? अलग आंसर आने के चांसेस बन जाते हैं मेरे। तो ध्यान रखेंगे कि जैसे हमने कहा कि एल एन एक्स बाय एक्स, तो मैं डोमेन लिख लेना चाहिए, क्योंकि जो मैक्सिमम मिनिमा जो भी पॉइंट आएंगे वो एक्स ग्रेटर देन जीरो पर ही आएंगे। गलती से कई बार एक्स लेस देन जीरो पे भी आनी शुरू हो जाती हैं चीजें, और हम उसे आंसर मान लेते हैं, क्योंकि हम हमारा ध्यान डोमेन पे जाता ही नहीं है। ऑल राइट, तो ध्यान रखें डोमेन भी लिखना जरूरी हो जाता है सबसे पहले, कि डिफाइन कहाँ है, बात कहाँ पे करनी है, ये तो हमें पता होना चाहिए ना। तो जैसे y इक्वल टू एल एन एक्स बाई एक्स में मुझे एकदम से पता चल गया x ग्रेटर देन जीरो के लिए ही मुझे बात करनी है। ऑल राइट, चलिए ये तो फर्स्ट स्टेप था, एंड सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा बच्चों? अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसका बिहेवियर चेक करने जा रहा हूँ using dy by dx, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से हम करेंगे। y को मैंने एफ एक्स मान लिया, कोई टेंशन नहीं है, तो एफ डैश एक्स निकाल लिया मैंने, कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा एल एन एक्स। ऑल राइट बच्चों, 1 माइनस एल एन एक्स आ गया। अब मैंने इसका क्रिटिकल पॉइंट देखा कि कहां पर एफ डैश एक्स अपना साइन चेंज कर रहा है, तो मैंने बताया था, बताइए ये ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो कहां पर है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, तो मुझे ये इवेल्युएट करना है। तो मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है, व्हेन एवर वी आर गिवन एनी काइंड ऑफ इनइक्वालिटी, वी शुड थिंक अबाउट इक्वालिटी। तो मुझे इक्वालिटी के बारे में सोचना चाहिए, इसका मतलब मैं ये सोचूंगा कि ये चीज जीरो कब होगी, ये चीज जीरो कब होगी। तो मेरा आंसर आया क्रिटिकल पॉइंट x equal to e पे ये जीरो होगा। All right? और मैंने बताया था आपको कि जहां पर डेरिवेटिव जीरो होता है वहां पर हो सकता है कि मैक्सिमा या मिनिमा मिले, लेकिन हमेशा ऐसा हो ऐसा भी नहीं होता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी हो सकता है। राइट, तो मैंने कहा कि x इक्वल टू e एक क्रिटिकल पॉइंट मिला है, हो सकता है इसमें मैक्सिमा या मिनिमा मिल जाए। उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि x इक्वल टू e पर ये अपना साइन कैसे चेंज करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये क्या। ठीक है, तो मैंने क्या किया, देख लिया मैंने, देखो अगर x e से छोटा होगा तो ln x 1 से छोटा होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, छोटी वैल्यू के लिए छोटा और बड़ी वैल्यू के लिए बड़ा। तो x अगर e होगा तो 1 होगा, e से छोटा होगा तो ये 1 से छोटा होगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव। e से बड़ा होगा अगर x, तो ये क्या होगा बच्चों? बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, और ये कैसा आ जाएगा? नेगेटिव, लेस देन 0। याद होगा यही कॉन्सेप्ट का यूज हमने x टू द पावर 1 बाई एक्स, जहां पर मैंने प्रूव किया था e टू द पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई टू द पावर e। ठीक है, वहां पे यही चीजें हमने अप्लाई की थी, वही चीज कर रहे हैं बस। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल टू e, और साइन कैसे चेंज हो रहा है, साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम व्हाट, पॉजिटिव टू नेगेटिव एट एक्स इक्वल टू ई।
एक्स इक्वल टू ई पे पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है साइन, पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब मैक्सिमा। ऑल राइट, तो एक्स इक्वल टू ए एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, इतना तो मुझे हो गया है कंफर्म। ठीक है, तो बस ठीक है, मैक्सिमा ही तो निकालना है। तो मैक्सिमा होगा कितना याद रखें, एक्स इक्वल टू ई पे तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, लेकिन मैक्सिमा है कितना एफ ऑफ ई, फंक्शनल वैल्यू होती है मैक्सिमम। तो एफ ऑफ ई रख दिया मैंने एल एन ई डिवाइडेड बाय ई, एल एन ई होता है 1 एंड दिस इज 1 बाय ई। ऑल राइट, यहां से अगर मैं चाहूं तो इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकता हूं। वैसे इस जस्ट टॉपिक के बाद, इन कुछ क्वेश्चंस को कवर करने के बाद, मैं आपको ग्राफ ड्रॉइंग भी सिखाने जा रहा हूं। ओके, कि कर्व को कैसे स्केच करना है, फंक्शन में हमने देखा ही था, लेकिन अगर फंक्शन ना दिया जाए और कुछ दिया जाए, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार फंक्शनल इक्वेशन ही दी जाएगी, रिलेशन भी दिया जा सकता है कोई वाई और एक्स में, तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने रखी जाएंगी। ऑल राइट, अभी फिलहाल ऐसे समझें कि एफ ऑफ ई इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 1 बाई ई, क्या आ गया 1 बाई ई। ओके, ये आ गया मैक्सिमम, मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू 1 बाई ई। ओके, तो उसने तो ये कहा है कि भाई मिनिमम भी बताइए आप, मैक्सिमम तो बता दिया आपने, मिनिमम भी बताइए, तो उस पर भी अभी हम देखेंगे ध्यान से। फिलहाल के लिए ये बात तो क्लियर हो गई, क्लियर है। ओके, अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इसकी ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं थोड़ा सा। मुझे पता है इसका डोमेन है एक्स ग्रेटर देन जीरो, क्या है एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स के जस्ट बाजू में जो पॉइंट होगा उस पर भी ये डिफाइन होगा राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं जब एक्स जीरो हो तो क्या होगा वैल्यू, तो नॉट डिफाइंड है। जब एक्स जीरो से हल्का सा बड़ा हो तब वैल्यू क्या आएगी, तो ये मैं निकाल लूंगा लिमिट की हेल्प से। ये मैं आगे आपको कर्व स्केचिंग में पूरा लिखवा दूंगा, ठीक है, कि स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है। अभी फिलहाल ऐसे समझो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एल एन एक्स बाय एक्स, कौन सी फॉर्म है बताइए, क्या ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है? नो, कोई भी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, क्योंकि ऊपर एल एन एक्स वेन एक्स इज टेंडिंग टू जीरो एल एन एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, और नीचे क्या है जीरो, तो माइनस इन्फिनिटी अपॉन जीरो इज नथिंग बट माइनस इन्फिनिटी। ऑल राइट, तो ये आ जाएगा किधर की ओर, इट इज टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। ऑल राइट, चलिए अब मैं क्या कह रहा हूं, ये इंक्रीजिंग है, जब एक्स ई से छोटा है तो ये पॉजिटिव है या नहीं, और ये पॉजिटिव होना मतलब इंक्रीजिंग, तो एक्स इक्वल टू ई, ध्यान से देखेंगे ये क्या है एक्स इक्वल टू ई, और एक्स इक्वल टू ई पे वैल्यू कितनी आ रही है, ये है ई कोमा वन बाई ई, तो पॉजिटिव है मतलब ऊपर, और जीरो पे क्या है माइनस इन्फिनिटी। तो मैं कह रहा हूं कि ऐसे आएगा ग्राफ, यहां मैक्सिमम मिलेगा, उसके बाद क्या कर रहा है बच्चों, वो डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है डिक्रीज। ओके, अब डिक्रीज करते हुए कैसा, कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा भी तो जा सकता है क्या ये पैराबोलिक ऐसा होगा, तो आई डोंट नो। ये तब होगा व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट डालने पे, जब मैं क्या डालूंगा एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, बात को समझना, मैं अगर एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट डालूं और वैल्यू आए इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, वैल्यू क्या है माइनस इनफाइनाइट, तो ग्राफ ऐसा होगा, लेकिन अगर कुछ हो रहा है तो बात अलग है, तो देखते हैं। तो मैंने कहा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट एल एन एक्स बाय एक्स, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली एल एन के अंदर जब इन्फिनिटी डलेगा तो वैल्यू भी इन्फिनिटी आएगी, राइट। ओके, नीचे क्या है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बनी है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकता हूं और एल एन एक्स को लिख सकता हूं 1 बाई एक्स, ऐसे लिख देते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई एक्स 1, और ये बच्चों दिख रहा होगा आपको इट इज नथिंग बट 0। तो भाई व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी इट इज टेंडिंग टू 0, तो ऐसा नहीं आएगा ग्राफ, क्लियर होगी बात, तो ग्राफ कैसे जाएगा, और डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो ग्राफ ऐसा आएगा, समझ गए मेरी बात, समझ गए, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा बच्चों। ऑल राइट, ओके, ये देखिए अब ये ऐसा है, यहां पे देखो ये कॉनकेव डाउनवर्ड्स, ये कॉनकेव अपवर्ड्स, लेकिन कॉनकेव अपवर्ड्स यहां से नहीं आया है, कॉनकेव अपवर्ड्स पहले तो ये कॉनकेव डाउनवर्ड्स है, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये कॉनकेव डाउनवर्ड्स,
फिर एक पॉइंट आया होगा जहां पे कॉनकेविटी चेंज हुई है, वहां पे कॉनकेव अपवर्ड से डाउनवर्ड्स हो गया है, उसको भी अगर आपको निकालना हो तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालिए, या एफ डैश एक्स का एक सिंगल डेरिवेटिव निकालिए, क्या आएगा एफ डबल डैश एक्स, उसका क्रिटिकल पॉइंट देखिए वो कहां पे जीरो हो रहा है, जहां पे वो जीरो होगा वही वो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन आएगा, जहां पे कॉनकेविटी चेंज होती है। ऑलराइट, तो अगर ये भी निकालना है आपको कॉनकेविटी कहां पे चेंज हो रही है तो आपको पता चल जाएगा। ठीक, चलिए यहां तक बात क्लियर है, ऐसे जाएगा, ये आ गया ग्राफ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए क्या है, 1/e, मिनिमम माइनस इंफिनिटी। तो अगर किसी ग्राफ में किसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी आती है तो आप उसे बोल सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ऑल राइट, एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इंफिनिटी क्या होता है, नॉट डिफाइंड, या यू कैन से नॉट डिफाइंड, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। क्लियर मेरी बात? ओके, अच्छा, ओके, चलिए बात ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई, ग्राफ कैसे ड्रॉ हुआ ये पता चल गया, मैक्सिमा मिनिमा भी पता चल गया है बच्चों। इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए मैंने दोबारा से बता दूं आपको कि क्या करेंगे, आप इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर वहां पे उसका क्रिटिकल पॉइंट पहचानेंगे कि वो कहां पे जीरो हो रहा है, जहां पे भी वो जीरो होगा उसी पॉइंट पे आएगा कहीं। तो मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं कि अगर इसी में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि एफ डैश एफ डबल डैश अल्फा इज जीरो, तो अल्फा बताइए क्या ग्रेटर देन ई, लेस देन ई, लेस देन वन, अच्छा ये कौन सा पॉइंट है, 1, 0, ऑब्वियसली 1 रखो इसमें, ln 1 क्या होता है 0, तो 1, 0 होगा। क्लियर, तो अल्फा इज लेस देन 1 एंड अल्फा और ग्रेटर देन 0 और अल्फा इज लेस देन 0, ऐसा कुछ दे दिया, तो ऑब्वियसली अल्फा लेस देन 0 तो होने से रहा क्योंकि डोमेन से ही बाहर हो गया। अल्फा 0 से 1 में हो सकता है क्या, हो सकता है, लेकिन क्या होगा, कॉनकेविटी, कॉनकेव क्या है, ये डाउनवर्ड्स है, कॉनकेव डाउनवर्ड्स, इसका मतलब पक्का बता सकता हूं कि जो एफ डबल डैश अल्फा होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, कहां से कहां तक देख लो, लिख देता हूं, एफ डबल डैश अल्फा विल बी लेस देन 0, आई कैन अश्योर यू, इफ अल्फा 0 to e, 0 से e, क्या ये कहना सही है क्या, 0 से e में ही होगा, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ अगर इफ अल्फा लाइंग बिटवीन 0 to e तो ये कहना ज्यादा बेटर है, इफ अल्फा लाइंग बिटवीन 0 to e तो हाँ एफ डबल डैश अल्फा लेस देन 0 होगा, लेकिन क्या इतने के लिए ही होगा, इससे आगे नहीं होगा, इससे आगे भी होगा, अब कहां तक होगा आई डोंट नो, इसलिए मैंने कहा कि अल्फा अगर 0 से e में है तो पक्की बात है कि लेस देन 0 होगा, उससे आगे भी कुछ वैल्यूज के लिए लेस देन 0 होगा ऑब्वियसली। ऑलराइट, तो यहां तक बात क्लियर है, अब यहां पे जो एक पॉइंट आएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसके बाद एफ डबल डैश अल्फा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, लेकिन एक बीच में ऐसी जगह आएगी जब ये नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होगा, उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऑलराइट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अच्छा एक बात, एक मिसकंसेप्शन सभी के दिमाग में रहता है कई बार कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे स्लोप 0 होता है, जैसे मैंने एक दो कर्व में आपको दिखाया है x³ y = x³, उसमें स्लोप 0 होता है ना, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, हमेशा जरूरी नहीं होता है, इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूंगा साइन एक्स के ग्राफ में। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि स्लोप तो सिर्फ x = e पे 0 हो रहा है, और मैं कह रहा हूँ जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा वो आगे आएगा, तो वहां पे ऑब्वियसली स्लोप 0 नहीं होगा, स्टिल वी आर गेटिंग व्हाट, अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है, तो ऐसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं मैंने बताई कि वहां पे स्लोप 0 होगा। ठीक है, कुछ जगह पे स्लोप 0 आ जाता है, कि स्लोप 0 नहीं होगा ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं, हो भी सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है। ऑलराइट, तो वो आपको देखना पड़ेगा, तो ये बात समझ आ गई होगी आई थिंक, क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि एफ डबल डैश अल्फा इज ग्रेटर देन 0, तो अल्फा कहाँ हो सकता है, सॉरी इक्वल टू 0, तो अल्फा कहाँ हो सकता है, तो पक्की बात है अल्फा ई से तो बड़ा होगा। ठीक है, ग्राफिकली हम इतना तो बता सकते हैं,
ई से छोटा होगा, नहीं गलत है। जीरो से वन में होगा, नहीं गलत है। ई से छोटा होना जीरो से वन ही होना है, ऐसे लिख दो, वन से ई में या जीरो से वन में या लेस देन जीरो। तो बिल्कुल ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये ही सही है। जो अल्फा आएगा वो ई से बड़ा ही आएगा, ये पक्का है। ऑल राइट, ऐसे करके भी पूछा जा सकता है। अब कुछ लोग होंगे कि इसके डेरिवेटिव निकालना शुरू कर देंगे, तो वो दिक्कत वाली बात है। ऑल राइट, चलिए इसको जल्दी से पॉज करके नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। ओके बच्चों, तो अभी जो मैंने एक पॉइंट बोला आपको इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बारे में, वो लिखवा देता हूं तुम्हें कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट If x equal to alpha is a point of inflection, then f dash alpha equal to zero. ये जरूरी नहीं है, मैं ऐसा लिखा है। It is not necessary that if x equal to alpha is a point of inflection, then f dash alpha is zero. But it is necessary that f double dash alpha is equal to zero. जो f double dash alpha होगा बच्चों वो zero होगा, ये पक्का है। या even order जो derivative होगा function का वो हमेशा zero होगा, ये पक्का है। तो ये nth order derivative में मैंने आपको ये चीजें explain भी की हैं, ठीक है? तो ठीक है, यहां तक बात सही होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लेते हैं ये अपना ये है साइन एक्स। ऑल राइट, ओके, मैंने कहा एफ डैश एक्स क्या आएगा। पहले तो इसका ग्राफ बना लिया, देखना ध्यान से। ठीक है, ओके, अभी ध्यान से देखना, फिर एक पॉइंट लिखवाऊंगा। एफ डैश एक्स क्या होगा, कोस एक्स। एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। अब ध्यान से देखो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आप देख पा रहे होंगे ये पाई कोमा जीरो। जीरो से पाई में कॉनकेव डाउनवर्ड्स है, और पाई से टू पाई में कॉनकेव अपवर्ड्स है। तो पाई पे कॉनकेविटी चेंज हो रही है, ये बात कंफर्म है। तो अगर मैं बात करूं एफ डैश पाई की, एज वी कैन सी in the graph, x equal to pi is a point of inflection and f dash pi is non-zero. f dash pi आप देखिए निकाल के कितना आएगा, माइनस वन। f dash pi कितना आ रहा है, माइनस वन, विच इज नॉन जीरो। बट ये पक्का है एफ डबल डैश पाई जो होगा वो जीरो होगा, वो देख लो रखे जीरो होगा। एंड ध्यान रखें एक और बात कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो तभी होगा जब एफ डबल डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पे मैंने एक पॉइंट लिख दिया कि इफ एक्स इक्वल टू अल्फा, चलो यहां पे एक मिनट मेंशन कर दूं कि एट एक्स इक्वल टू पाई, एट एक्स इक्वल टू पाई एफ एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम, बताइए क्या। एफ एक्स जो है वो चेंज कर रहा है अपना साइन, फ्रॉम लेफ्ट में नेगेटिव होगा राइट में पॉजिटिव होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, ओके, कौन एफ डबल डैश, मैंने क्या लिख दिया एफ एक्स, एफ डबल डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ऑल राइट, और बिल्कुल ये पक्का है एफ डबल डैश एक्स अगर अपना साइन चेंज करता है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बच्चों एफ डबल डैश की बात कर रहा हूं मैं, एफ डैश की बात नहीं कर रहा हूं। तो इफ एट एक्स, इफ एक्स इक्वल टू अल्फा इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, देन ध्यान से देखो, देन एफ ऑफ एन अल्फा
विच इज नॉन जीरो एंड विच इज नॉन जीरो एंड एन एक इवन नंबर है, इवन नंबर। ध्यान से देखना एफ डैश, इफ एक्स इक्वल टू अल्फा इज अ पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, एक मिनट, वेट वेट वेट, एक मिनट रुको। इफ एक्स इक्वल टू अल्फा इज अ पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन देन दिस विल चेंज इट्स साइन एट एक्स इक्वल टू अल्फा, चेंज इट्स साइन एट एक्स इक्वल टू अल्फा, इसे एक्स बोल दिया। तो इफ एक्स इक्वल टू अल्फा इज अ पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन देन nth ऑर्डर डेरिवेटिव विल चेंज इट्स साइन एट एक्स इक्वल टू अल्फा। अच्छा यहाँ पे जो n है वो इवन है, यहाँ पे जो n है वो इवन है, n कैसा है बच्चों, इवन। तो x इक्वल टू अल्फा पे जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव है और n क्या है इवन, वो साइन चेंज करेगा पक्का। अब समझो ये nth ऑर्डर क्यों लिखा मैंने, डबल डेरिवेटिव क्यों नहीं लिखा, तो क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एफ डैश एक्स भी आपका जीरो आ गया, एफ डबल डैश एक्स भी जीरो आ गया, एफ ट्रिपल डैश भी जीरो आ गया, फोर्थ वाला नॉन जीरो है और वो अपना साइन चेंज कर रहा है, तो समझ जाना वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, तो मैंने तो पूरी जनरल बात कर ली है, लेकिन अगर आप एक बेसिक सी कॉन्सेप्ट पे आओ तो ऐसे समझ सकते हो कि जो एफ डबल डैश एक्स है उसमें भी एन इवन है, एन अगर इवन हुआ दैट इज टू, तो एफ ऑफ टू लिख दूंगा मैं, मतलब एफ टू एक्स, मतलब डबल डेरिवेटिव, वो अपना साइन चेंज कर रहा है किस पॉइंट पे एक्स इक्वल टू अल्फा पे, देन इट विल बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये कंफर्म है। ऑलराइट, तो मैंने अगर आपसे ऐसा पूछ लिया कि अगर भाई एक्स इक्वल टू अल्फा एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है और एफ डबल डैश एक्स नॉन जीरो वैल्यू, सॉरी एफ डबल डैश एक्स जो है, ध्यान से सुनना, एफ जो डबल डैश एक्स है हमारा वो अपना साइन चेंज करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये बात सही है क्या? हाँ, अपना साइन चेंज करेगा बिल्कुल। ऑल राइट बात गाइज, तो ध्यान रखें ये बेसिक सी कॉन्सेप्ट थी इन्फ्लेक्शन पॉइंट की, आपको पता होनी चाहिए। ऑल राइट, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। ओके, सुनिए, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट से हमने यहाँ पे ये सीख लिया कि ऐसा जरूरी नहीं होता है कि एफ डबल डैश एक्स जीरो होने पर ही आप बोल दें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसका साइन भी चेंज होना चाहिए बच्चों, समझ गए? एट एक्स इक्वल टू अल्फा अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो एफ डबल डैश एक्स अपना साइन चेंज करना चाहिए, अगर नहीं चेंज कर रहा है ना तो समझ जाना वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। ऑल राइट, चलिए उसको आप छोड़ देते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एंड दैट इज दिस। ये अपना एफ एक्स दिया गया है एल एन एक्स माइनस टू एक्स, फिर से वही काम, वन बाई एक्स माइनस टू। अच्छा x क्या है, ग्रेटर देन जीरो, ये गिवन नहीं है, ये मैंने अपने आप लिखा, ठीक है, डोमेन। ओके, अब यहाँ पे क्या लिख दें बताओ, ऐसे लिख लो इसको, या इसको ऐसे लिख लो माइनस टू एक्स माइनस वन बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स। ऑल राइट, ऐसे लिख सकता हूँ, कितने क्रिटिकल पॉइंट है, दो, इनका साइन चेंज देखेंगे वेवी कर्व से, यहाँ आएगा कितना जीरो, ये आ गया वन बाई टू। तो देखो जब ये जीरो से वन बाई टू होगा तो ये चीज पॉजिटिव होगी, सॉरी नेगेटिव होगी, और ये नेगेटिव होगी तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो मैंने कहा व्हेन एक्स इज जीरो से वन बाई टू एफ एक्स कैसा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग, क्योंकि मैंने सिर्फ जो ग्रेवी कर्व में ड्रॉ किया है वो इतना किया है और बाहर माइनस लग रहा है, तो जहां पे ये नेगेटिव होगा ओवरऑल पॉजिटिव होगा, जहां पे ये पॉजिटिव होगा ओवरऑल नेगेटिव होगा, और x belongs to minus infinity से 0 union 1 by 2 से infinite, तो fx क्या होगा, decreasing, ठीक है, और at x equal to 1 by 2 f dash x will be 0, x equal to 1 by 2 पे, बिल्कुल x equal to जब भी 1 by 2 होगा तो f dash x क्या होगा बच्चों, 0, क्या होगा 0, इसका मतलब x equal to 2
सॉरी 1/2, x इक्वल टू 1/2 जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा इनमें से कोई एक होगा। ओके तो x 0 से 1/2 में क्या है, 0 से 1/2 में इंक्रीजिंग। ध्यान से समझना बात को, समझना देखो गलतियां कहां होती हैं। अब मैं यहां पे देखने लग गया, सिर्फ इतने को देखने लग गया मैं, तो मैंने कहा 0 से 1/2 में ही है तो ये इंक्रीजिंग है और 1/2 से इंफिनिटी में डिक्रीजिंग है, तो 1/2 पे कैसा, 1/2 पर कैसा, मैं कह रहा हूं 1/2 से लेफ्ट में तो इंक्रीजिंग है और राइट में डिक्रीजिंग है, तो ऑब्वियसली एक्स इक्वल टू 2 एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, सही है नहीं? तो मैंने यहां पे मेंशन कर दिया कि एक्स इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। फिर एक बंदे ने यहां पे ही देखा, फिर कहा अच्छा जीरो पे देखते हैं। अच्छा जीरो के लेफ्ट में माइनस इनफिनिटी से जीरो में फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग, और जीरो से राइट में मतलब जीरो से 1/2 में कैसा है, इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग एंड देन, और पहले लेफ्ट में कैसा है, डिक्रीजिंग और देन इंक्रीजिंग, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होना चाहिए। तो एक बंदे ने क्या कहा कि ये तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, कौन, एक्स इक्वल टू जीरो। तो ऐसी गलती गलती से भी ना करें, क्या, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो तो डोमेन में है ही नहीं, तो अगर आप इस पॉइंट को नहीं लिखेंगे तो ये गलती हो सकती है और आप कह सकते हैं कि x इक्वल टू जीरो भी एक पॉइंट ऑफ मिनिमा है, जबकि वो तो डोमेन में ही नहीं है, ठीक है? तो ये लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर इसको मैं रहने देता हूं, लो ऐसे लिख लो सिर्फ, क्योंकि इससे बाहर तो मुझे जाना ही नहीं है, मुझे तो आगे की बात करनी है। तो जीरो से 1/2 में इंक्रीजिंग, 1/2 से इंफिनिटी में डिक्रीजिंग, और 1/2 पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, साइन चेंज से मैंने पता कर लिया। ऑलराइट गाइस, चलिए यहां तक बात क्लियर है। अब मैं डबल डेरिवेटिव से भी ये चीज आपको करके दिखाने जा रहा हूं। तो यहां तक तो मेरा आंसर आ गया, लेकिन अभी मेरे पास एफ एक्स क्या था, 1/x-2। मैंने क्या किया, एफ डबल डैश एक्स निकाला, दैट इज दिस। ऑलराइट, और मैंने पुट किया फंक्शन में, पुट की वैल्यू 1/2, तो ये कितना आ गया, माइनस ऑफ 4, दैट इज ऑलवेज लेस देन 0। ऑलवेज क्या मतलब, लेस देन 0, व्हिच इज नेगेटिव। नेगेटिव जब एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव होता है तो क्या मिलता है हमें, मैक्सिमा और मिनिमा, ऑब्वियसली मैक्सिमा, ठीक है? तो बिल्कुल, हेंस मैंने लिख दिया, हेंस एक्स इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्लियर गाइस? तो ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी कीजिए।